हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया? चलिए ठीक है। हम लोग आज कैपेसिटी के न्यूमेरिकल का अगला पार्ट देखते हैं, जिसमें हमने वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में बता चुके हैं और नए न्यूमेरिकल बताएंगे। प्रयास करते हैं कि जितनी टाइप के न्यूमेरिकल हैं सारे हो जाएं, लेकिन एक आपसे गुजारिश केवल है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, ठीक है, जिससे और बच्चों को फायदा हो। उसके लिए आप अपने फ्रेंड से मित्रों के साथ शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसको नहीं भूलना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल है उसको देखिए। उसमें जो हमारा अगला न्यूमेरिकल आएगा, जैसे मान लो इस साइड दिया, देखिए नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन हो गया हमारा ये दिया, फाइंड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इस समय चल रहा है जितने टाइप होते जा रहे हैं, ये जान लो सारे के सारे टाइप जो हमारा सर्किट वाला चैप्टर है, उस सर्किट वाले चैप्टर में भी सब आता रहेगा, ठीक है। तो जान दो चैप्टर के साथ चल रहा है, कैपेसिटेंस बिटवीन बिटवीन वाइन ए एंड बी, ठीक है भाई। जिसका भी मतलब कि पर्सन छूट गए हो, कई टाइप बतवा बता चुके हैं, तो पिछले वीडियो में डाल दिया उसको, वहां देख सकते हो। चलिए पहला देखिए किस टाइप दिया है, जैसे मान लो देखो कुछ दे दिए, जैसे मैं कई प्लेट हो गई, प्लेट एक यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको ला के यहाँ जोड़ दिया बस में, और इसको ला के यहाँ जोड़ दिया भाई, दोबारा इधर जोड़ दिया ऐसे ऐसे। अब ये पॉइंट कर दिया ए, ये पॉइंट कर दिया बी, क्या निकालना है? पॉइंट और बी क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। एक और दो लेते डिस्प्ले देखा, जो वही स्कॉट मान लीजिए हो गया, ऐसा हो गया, इसकी दोनों पॉइंट लाभ यहाँ जोड़ दिया, इसके तो कहीं कोई जो है कोई भी दिया रहेगा, उसके अनुसार आपको जोड़ना है, जोड़ना काटना है, वही फिर क्या है लगाना है, पॉइंट ये हो गया पॉइंट। देखो इसके भी समझाने की बुक में या कई लोग सब अपने तरीके समझाते हैं, ठीक है, सभी लोग अपने भी तरीके समझते हो, सबका आंसर सही है, किसी को रॉन्ग नहीं बोल रहे, सबका सही है, बस किस विधि से आपको किस अंदर से इजीली समझ हो जाए, इजीली समझ आपको आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है देखिए बोर्ड में नहीं पूछ जाएंगे, या बार पूछा भी गया एक नंबर में रहेगा या दो नंबर रहेगा, तो आराम से कर डालेंगे, टिक लगाया सॉल्व हो गया, ठीक। आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसे क्वेश्चन कहाँ गया है कंपटीशन में, जहां आपको सॉल्व करने का तरीका नहीं चाहिए, आप किस मेथड से उसको सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है, थोड़ा जानना जरूरी है। ट्रिक क्या चाहिए है, हमने क्या बताया, जैसे बहुत सारे ट्रिक हैं किताब में, ट्रिक दिए गए हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट क्या है मेथड है, कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लगता है आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको ए वाला ट्रिक अच्छा लगा जो बता रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए, जो भी ट्रिक लगाएं आंसर क्या हो सही आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या कर दिया, क्या बना दिया, इसमें बता रहा है, इसमें हमें दो फिगर हो गया ना, ये पहला हो गया और एक दूसरा हो गया, बताना किसमें कितना हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए भाई, लेते हैं सॉल्यूशन, आ गया भाई सॉल्यूशन, चलो भाई पहले का नंबर वन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या नंबर वन देख मिटा देते हैं, नंबर बाद लेंगे, ठीक है, फिगर बना लिया ना, चलो मिटा दें उसको, बाद बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं बनाओगे बाद में बना लीजिएगा, है ठीक है। सिंपल लॉजिक इसका है, पहला समझो लॉजिक, लॉजिक क्या होता है, कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, याद है, देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल, याद आ रहा भाई, इसे क्या बोलते हैं, दिख भी रहा पैरेलल, कुछ कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, कभी क्या चीजें पैरेलल होती हैं, क्या दिखती हैं, सीरीज, अगर सीरीज होती है तो क्या दिखती हैं, पैरेलल, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये जो है माया जाल इसका है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत देखे होंगे लोग, जिसमें राष्ट्रीय हो रहा था युधिष्ठिर का, उनका जो घर बनाया गया था महल, क्या था उसमें खास बात क्या थी, कि जहां को देखिएगा पानी भरा हुआ है, जहां वास्तव में पानी भरा हुआ है वहां क्या था, वहां पूरा संगमरमर पत्थर लगाए गए थे, लग रहा पानी तैर रहा है, ठीक है, पानी बढ़िया ना, जैसे होता तालाब में, वहां क्या है एकदम पूरा ठोस है, सॉरी वहां क्या है, वहां पत्थर लगे हुए हैं, पैर की कोई दिक्कत नहीं, और जहां लगता बढ़िया एकदम पैर क्या है पत्थर लगा हुआ है, वहां पानी भरा हुआ है, सोचिए ऐसा भी प्रभाव था, ठीक है, तो वहां एक बार में क्या है मोर्चा खा जाए उसमें, ऐसा नहीं, और यही वजह, चलो भाई इस पर ज्ञान हो जाए दो मिनट के लिए, यही वजह है
कि जो दुर्योधन था क्या, दुर्योधन जो था क्या था, वो जो है वहां पर ज्यादा उसको बेइज्जती हुई। क्यों बेइज्जती हो गई? जो जा रहा था द्रौपदी देख रही थी उसको, तो जब पहुंचा कहां पर, जहां पर क्या पूरा सॉल्ट सॉल्ट फर्श बनी हुई है, लग रहा पानी भरा हुआ है, तो तुरंत रुक गया, चौंक गया, जहां पानी कह जाए, द्रौपदी ने कहा जाइए जाइए कोई दिक्कत नहीं, पानी सब क्या है सॉल्ट है, वहां फर्श है। बड़ा आश्चर्य गया उसको, जब जहां पहुंचा जहां पे लग रहा था ठोस है या फर्श है, वहां पानी भरा हुआ था, ठीक है। जब वहां पहुंचा तब फिर उसने रोका, अरे रुकिए रुकिए देवर जी, रुकिए देवर जी है, वहां क्या है आगे पानी भरा हुआ, मत जाइए। तो बुला गया, क्या बोलती हो, आगे पानी क्या भरा हुआ है, आगे तो आपको क्या है फर्श बनी हुई है। तो रोका नहीं माना उसने, और जैसे बढ़ा आगे पानी गया झम से गिरा, और वही बोली बोल दिया उसने, ठीक है। तुमने बोली क्या बोल दिया, अंधे का पुत्र जो है अंधा ही होता है, ठीक है। और वही एक बोली जो है उसको कितनी सोचिए महाभारत करवा दिया फिर ना, ठीक है। मतलब मेरा कहने का आशय ही है, हम लोग जो भी दूसरों पर कटाक्ष करते रहते हैं ना, अपने को बड़ा काबिल मानते हैं और दूसरे को बड़ा है निरी मान कटाक्ष कर देते हैं, और वो कटाक्ष जो है कितना भारी पड़ जाता है, ठीक है, आप जन्मा लगा सकते हैं। तो प्रयास कीजिए जिंदगी में, ठीक है, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने अच्छे पोजिशन में ना हो, किसी को कटाक्ष है कितना, कोई निर्मल है कोई कितना निर्बल है, कोई गरीब है, कटाक्ष नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को बोली नहीं बोलना चाहिए, एक लाइफ का एक बड़ा ही रहस्यमय चीज है, लेकिन हम लोग नहीं मानते ना। दूसरों को हंसना जो है बहुत मजा आता है, कोई अपने फंस दिया बड़ा बेकार लगता है, कैसे हंस दिया, ठीक है। चलिए खैर, आपको डायलॉग याद रहना चाहिए, इसका राजकुमार का ना, ठीक है। कौन डायलॉग है, डायलॉग ये ना कि कांच के कांच के जिसके महल होते हैं, कांच के महलों में रहने वाले लोगों को दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए भाई, तुम्हारा कभी क्या हो गया आज बता क्या है, देखिए नियम पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ नियम हमारा क्या है, नियम हमारा है यहाँ देखो सभी क्या है पैरेलल क्यों है, पैरेलल में अगर लगा दो प्लस, यहाँ का लगा माइनस, सारे पॉजिटिव एक प्लेट ना, एक प्लेट क्या हो गए, जो हमारा कैपेसिटर है सारा पॉजिटिव क्या हो गया, एक पॉजिटिव से दूसरी प्लेट क्या सारी क्या है नेगेटिव कम हो गई। सीरीज क्या होता है, देखिए सीरीज में प्लस माइनस ऐसा चलता है, ऐसा ना देखो ए प्लस हो गया माइनस, फिर प्लस है फिर माइनस, फिर प्लस फिर ऐसा जुड़ा है। इसमें क्या है, सारी माइनस एक पॉइंट से सारा पॉइंट प्लस एक पॉइंट, यही पहचान है, ठीक है। अब इसको कितना बढ़िया पहचानते हैं, ठीक, कितना बढ़िया पहचानते हैं, यही आपकी क्या है, यही आपके दिमाग का कमाल है, ठीक है। यहाँ क्या, यहाँ से कोई दिख नहीं रहा है, इस टाइप से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको देखना है। चलिए मैं देखने प्रयास करते देखने का, देखो जो हमने फाइंड किया, जो सबसे हमको सिंपल मेथड लगा उसको लगा रहे, बाकी आप अपने मेथड दे सकते हैं, यहीं पर कोई बाउंडेशन नहीं है। देखो ध्यान से, मान लो को क्या पॉइंट ए और बी के बीच निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बताया था मैं क्या कि जिसके बीच भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, क्या करना है उसके बीच पर क्या लगा लेना है, वहां लगा देना है एक सेल लगा दो, क्या लगा दिया, ये जिस सेल हाइपोथेटिकल आपको समझ लीजिए, नहीं लगाना, लगा दिया जिस पर लगा दिया, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ गया ना। अब देखिए अगर प्लस आ गया तो कहाँ यहाँ जुड़ाना, यहाँ जुड़ा क्या आ गया, एक प्लेट हमारी पॉजिटिव हो गई, एक प्लेट बिल्कुल क्या पॉजिटिव हो जाएगी, आई होप समझ आ ना, ये क्या देखो जुड़ा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गई, ऊपर कोई मतलब यहाँ कोई हाउस है नहीं है, आप ऊपर नेगेटिव कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब उसका नहीं है, ठीक है। चाहे करने कर दो, एक प्लेट क्या हो जाएगी नेगेटिव, फिर देखिए जुड़ी बी सी जुड़ी ना, यहाँ क्या हो गया नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया नेगेटिव हो गया, यहाँ क्या फिर देखिए क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, सही ना, क्लियर हुआ। अगर नंबर डालो प्लेट का, ऐसे नंबर डाल देते देखो ध्यान से, वन टू देखो क्या बन गया, यहाँ बन गया एक, एक प्लस एक माइनस, यहाँ देखो बन गया टू, एक प्लस एक माइनस, यहाँ बन गया थ्री, एक प्लस एक माइनस, यहाँ हो गया फोर, एक प्लस एक माइनस, इसको दिखा सकते हो, चाहे क्या करिए, चाहे इनको एक साथ कर दीजिए, सारे प्लस एक साथ कर लो, सारे माइनस एक साथ कर लो, तो भी बन जाएगा सेम, तो सिंपल ही समझना है इनके बीच क्या हो गया, यहाँ बन गया एक कैपेसिटर, यहाँ दूसरा बन गया, यहाँ तीसरा बन गया, चौथा बन गया, कैसे जुड़े हैं सारे प्लस एक पॉइंट से, जितने कैपेसिटर बन जाए
जितने आपके यहाँ पे कैपेसिटर बढ़ रहे हैं, पहले कैपेसिटर का प्लस पॉइंट ए से, सेकंड का प्लस पॉइंट ए से, सेकंड का माइनस पॉइंट बी से, फर्स्ट का माइनस पॉइंट बी से, थर्ड का माइनस पॉइंट बी से, थर्ड का प्लस पॉइंट ए से, फोर्थ का प्लस पॉइंट ए से। क्लियर हुआ कि सबके जितने कैपेसिटर हैं सबके प्लस जो प्लेट है, प्लस चार्ज प्लेट एक पॉइंट से और माइनस चार्ज कट गया है दूसरे पॉइंट से। अगर ऐसा बना है तो सिंपल लॉजिक क्या हो गई, तब सिंपल लॉजिक हो गई दी कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। अब भाई क्या है, क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लो क्या है यहाँ क्या है, अगर इनकी क्या एरिया प्लेट कितना हो जाए, यहाँ क्या लिख लो, यहाँ दिया बिटवीन द ए एंड बी इफ एरिया ऑफ प्लेट कितना है ए है एंड सेपरेशन कितना हो गया, सेपरेशन कितना हो गया, मान ली डी हो गया, कितना भी हो गया, ये सी वन हो गया, ये सी टू हो गया, सी थ्री हो गया, सी फोर हो गया, कितना है यहाँ पे सी वन इक्वल टू सी टू सी थ्री सी फोर हो गया एफ नॉट ए वन डी आ गया। कोई मीडियम डाला जाए तो वहां की और आ जाएगा ना, चलो देखो क्या बनता है, देखो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर तो कितना भाई आ गया, सब बराबर है ना, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कितना आया फोर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया सी, हो गया सी इक्विवेलेंट आ गया। आई होप ऐसे कुछ कर लेंगे आराम से, अब कर लेंगे तो सेकंड वाला थोड़ा सा प्रयास कीजिए निकालने का, प्रयास करें सेकंड वाला, चलिए करते हैं प्रयास, चलिए देखो सेकंड, देखो सेकंड देखते हैं, ये मिटा दें इसको, आ गया समझ में, आई देते हैं क्लियर, बना लें फिगर बन गया होगा, चलिए मिटा देते हैं सेकंड देते हैं, सेकंड बनाओ भाई इसको मिटा दिया हमने, पहले को लिख लिया होगा ना, आ जाओ सेकंड, ठीक है देखो फिगर पीछे बनाया था ना, यहाँ पे दो प्लेट फिर चार हो गए प्लेट, अभी थोड़ा भाई यहाँ पे ट्विस्ट है, थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आ गई है, या फिर जो ट्विस्ट आ गई, इसके दोनों अंदर वाले प्लेट क्या है एक पॉइंट से, यही ना ऐसे जुड़ा है, हाँ उल्टा हो गया सही है, और बाहर वाले क्या जुड़े एक पॉइंट जुड़े हैं, जोड़ दीजिए एक पॉइंट हो गया, अभी एक पॉइंट हो गया, रूल है ये रूल, देखो हमेशा नियम ही लगाइए, नियम अगर सही लगाए सेम रहेगा, कंडीशन चाहे जो उससे मतलब हमको नहीं, फिर देखिए जिसको कर दिया प्लस हो दिया माइनस, अब क्या हो देखिए एक प्लेट क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी पक्का, ये क्या हो नेगेटिव हो जाएगी, नीचे वाली ये नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो गई भाई, ये प्लस हो गई है सही में, क्लियर हुआ, अब देखिएगा सारी ये प्लस हो गई, इस केस में देखिए क्या हो जाएगा अब अब देखो यहाँ पहला क्या होगा, यहाँ यहाँ बन जाएगा एक प्लस एक माइनस, यहाँ दोनों माइनस है बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कैपेसिटेंस की कैपेसिटी क्या चाहिए एक प्लेट प्लस दूसरी क्या होनी चाहिए माइनस होनी चाहिए, नहीं बनेगा यहाँ नहीं बनेगा, दूसरा है बनेगा बस, यहाँ नहीं बनेगा यहाँ कुछ नहीं बनेगा, क्लियर है ठीक है, इसलिए क्या हो गया यहाँ दोनों कैसे हैं फिर भाई, इसको देखो प्लस कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ कोई ऊपर प्लेट है ही नहीं, चाहे इसको प्लस लिखो चाहे प्लस ना लिखो कोई मतलब नहीं, अब क्या दोनों प्लेट दोनों कैपेसिटर के प्लस एक पॉइंट से दो माइनस का एक पॉइंट हो गया, क्या बन गया यहाँ सी इक्वल टू क्या हो गया सी वन प्लस सी टू आ जाएगा जो कितना है टू एप्सिलॉन नॉट, देखो एक लाइन साफ था एग्जाम, देखो इसलिए ऐसे क्वेश्चन रखे आते कंपटीशन में जिसमें क्या हो आप सोच पा गए तुरंत निकाल पाएंगे, नहीं सोच पा गए तब क्या हो गया और क्वेश्चन के हैं बताएंगे, देखो जो सिंपल पहले जो सिंपल लॉजिक वाले क्लियर हो जाएगा ऐसा में, एक और देखिए तीसरा मिटा दिया, चलो क्वेश्चन ये फिर माना हो गया फाइंड द कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसको मिटा दे भाई, चलिए मिटा दिया, देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का सोचिए कैसे लगाएंगे, प्रयास कीजिए, एक प्लेट होगी मैं देखो यूं लंबी सी प्लेट हो गई, एक देखो यहाँ प्लेट ए लगा दिया गया, फिर देखो एक स्टेयर बना दिया गया ऐसे, फिर एक प्लेट यहाँ लगा दिया गया फिर ऐसे, क्लियर हुआ ये जाके हमारा क्या हो गया बन गया, पूरी मानी कितना है पूरी कितना है, देखिए एरिया पूरी है प्लेट है उसी को क्या देखो ध्यान दीजिए, यहाँ मान लो क्या हो गई ए एरिया ए गई ए हो गई ए हो गई ए हो गई, पूरा कितना मान लो कितनी इसकी थ्री हो गई,
कितना हो गया, अब दे दिया गया जो हमारी प्लेट एरिया कितनी वाली ए है, एक वाले दूरी कितनी मान ली देखो डी है, ये दूरी मान लो कितना हो गया बी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई बी हो गई, ये दूरी हो गई। हमें क्या निकालना है, यहां पॉइंट आपका हो गया ए, यहां पॉइंट हो गया बी, क्या निकालना है, यहां हो गया इफ एरिया प्लेट, क्या हो गया इफ एरिया ऑफ जो कॉमन प्लेट है प्लेट बी, ये मान लो अगर ए है एंड रिमेनिंग पैरामीटर्स आर गिवन इन फिगर, क्लियर हुआ, सिंपल बात है, कहीं एक जोड़ दो चाहे ए बी यहां चाहे जोड़ दो, इसमें क्या बनेंगे तीन बनेंगे तीन कैपेसिटर, ध्यान दीजिए ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, बना नहीं बन रहा है, तीनों कैसे हैं, जैसे मान लो ने क्या यहां जोड़ दिया पॉइंट ए, यहां जोड़ दिया स्मॉल डेट ना, यहां क्या जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया पॉइंट बी, ये पॉइंट बी हो गया पॉइंट ए ना, सारी प्लेट हमारी वही सेम जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक प्लेट अब इसको यूं कर लो अगर दो प्लेट ये कॉमन नहीं कॉमन हो गई, नेगेटिव कॉमन प्लस वाली भी क्या है कॉमन है, तीनों कैसे हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे पैरेलल में, कैसे हो गए पैरेलल में, बनाओ सर्किट आ गया, अगर भाई इसकी एक इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, पहला कैसे हमारा ये हो गया ठीक भाई अच्छी बात है पहला हो गया, दूसरा ये वाला हो जाएगा उसकी एरिया बढ़ जाएगी, फिर एरिया बढ़ जाएगी बढ़ा देंगे तीसरा दे तो बढ़ा दिया, फिर तीसरा क्या ये वाला हो जाएगा, दूरी बढ़ कुछ नहीं एरिया भी सेम है, एरिया क्या देखो एरिया कितनी हो गई इसकी ए बाई थ्री, जैसे कितनी हो जाएगी ए बाई थ्री, जैसे क्या हो गई ए बाई थ्री ना, क्योंकि तीनों क्या बोला जाता है पूरी बोले यहाँ पूरा दे दिया पूरी एरिया क्या है ए है, अगर थ्री दिया जाता है तो एयर कंसर्वेशन होती है हमारी, क्वेश्चन ध्यान देना क्वेश्चन क्या दिया है उसके अनुसार करेंगे, मान लो यहाँ एरिया तो क्लियर हुआ, अब क्या किया गया इसके सारे पॉइंट को ए पॉइंट से सारे डिजिट को ए पॉइंट जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया दूरी क्या इसकी गई डी, इसी कितना हो गया डी प्लस बी, इसी कितना हो गया डी प्लस टू बी ना, देखो यहाँ क्या बी प्लस बी टू बी हो जाएगा डी वाला ही, अब तो आसान हो गया ना, ए हो गया ए बी हो गया ये सी वन आ गया सी टू आ गया सी थ्री आ गया, तो अगर हम उसकी इक्विवेलेंट बना ले गए सर्किट तो दिक्कत हमको फिर नहीं होगी, बस समझ में आ रही है, नोट कर लिया, नोट करिए फट से, ठीक है कठिन नहीं है बस थोड़ा ध्यान देना अभी कठिन बिल्कुल नहीं है, चलिए देखो ट्राई करिए, और सी वन कितना सी वन आएगा देखो दूरी देखिए एरिया कितनी है ए बाई थ्री, कितनी एरिया इसकी है ए बाई थ्री है, ये डिस्टेंस हो गया इसमें, इसमें ये डिस्टेंस हो गया एरिया से ए बाई थ्री, इसमें डिस्टेंस हो गया एरिया कितनी हो गई प्लेट की ए बाई थ्री, हमने क्या बताया एप्सिलॉन नॉट बी, क्या हमारा एयर हवा है, कोई मीडियम भी डाल सकता है वहां के और आ जाएगा, जैसे यहाँ मतलब मीडियम भर दिया तो दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है कितना सी वन कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री अपान डी हो गया, कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान थ्री डी आ गया, सी टू कितना आया एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री अपान डी प्लस बी आ गया, या कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान थ्री डी प्लस बी आ जाएगा, सी थ्री कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री अपान डी प्लस टू बी आ गया, कितना हो गया भाई ये कितना हो गया ये हो गया थ्री डी प्लस टू बी आ गया, क्लियर हुआ, तीनों कैसे हैं पैरेलल में, फॉर इक्विवेलेंट देखो क्या देखो इक्विवेलेंट निकाल लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब देखो इसमें मान लिया आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं हो पाया आपने इसको बना के हावी कर दिया, देखो हमारा तीन नंबर क्वेश्चन है दो मिल जाएगा कल से कल क्वेश्चन कर ले थोड़ा मिल जाएगा भाई, सीरीज ध्यान दीजिए पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री होता है, ध्यान रखिए गड़बड़ नहीं होता है क्योंकि हमारे दिमाग में रेजिस्टेंस का एकदम पूरा फीवर चला था ना, हम लगा देते हैं हिंदी में रेजिस्टेंस वाला, अगर लगा दिया वन अपान सी तुरंत हो जाएगा ना, ध्यान रखिए सर बिल्कुल कर दो कितना आएगा सी पुट करें कितना आएगा सी इक्वल टू सी वन एप्सिलॉन नॉट ए अपान थ्री डी प्लस सी टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान कितना हो गया थ्री डी प्लस बी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए क्या हो गया थ्री डी प्लस टू बी, अब भाई इतना आपको होना चाहिए कमांड कैलकुलेशन कर ले जाएंगे ना,
कैलकुलेशन करते जाएंगे। चलिए कर लीजिए, कितना है भाई सी, कितना कॉमन है? हाँ भाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन थ्री कॉमन है। क्या बचा? वन अपॉन डी बचा, प्लस वन अपॉन डी प्लस बी बचेगा, प्लस वन अपॉन डी प्लस टू बी बचेगा। लीजिए एलसीएम पर से थ्री हो गया, यहाँ से क्या एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो गया डी डी प्लस बी इंटू डी प्लस टू बी, ठीक है हो जाएगा। यहाँ डी कटेगा क्या आएगा, डी प्लस बी इंटू डी प्लस टू बी आया, प्लस यहाँ क्या आएगा डी इंटू डी प्लस टू बी आएगा। यहाँ कितना आएगा तीसरे में, प्लस इसमें क्या आया डी इंटू डी प्लस बी आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए फटाफट, आंसर आ जाएगा। तो इस बात क्या सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है, इसका भी और लंबा दिखने लगा लेकिन कर लेंगे आराम से, लंबी बात नहीं है। कितना आ जाएगा भाई इसको, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन थ्री आ गया, इंटू करो डी स्क्वायर प्लस कितना हो गया टू डी बी ना, प्लस क्या हो गया डी बी प्लस टू बी स्क्वायर ऊपर आ गया, ऐसे यहां समझते प्लस कितना डी स्क्वायर प्लस टू डी बी आ गया, यहां ना प्लस डी स्क्वायर प्लस डी बी आ जाएगा अपॉन कितना हो गया डी स्क्वायर प्लस डी बी आ गया, इंटू कितना हो गया इंटू डी प्लस टू डी बी टू बी आ गया, ठीक है सॉल्व कर लो इसको, हो गया आंसर यही लगभग क्या हो जाएगा मेरा सॉल्व कर लेंगे, यही मारा क्या मिल जाएगा, यही मारा लगभग लगभग आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन थ्री डी स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ कितना आ गया थ्री डी स्क्वायर आ गया, यहाँ देखो टू डी बी थ्री डी बी हो गया प्लस यहाँ टू फाइव हो गया प्लस यहाँ सिक्स, कितना हो गया सिक्स डी बी मिला। चेक कर लो भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डी स्क्वायर प्लस डी बी इंटू डी प्लस टू डी बी मिल गया, ठीक है ना। यहाँ तीन बाहर निकालो त्रिकमन हो जाएगा ना, त्रिकमन लीजिए कट जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन थ्री इंटू त्रिकमन लिया डी स्क्वायर प्लस टू डी बी आ गया, टू डी बी आ गया अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी बी इंटू डी प्लस टू बी, यहाँ चीज कट जाएगा ना एप्सिलॉन कितना वैल्यू मारी आ गई एप्सिलॉन नॉट ए डी स्क्वायर प्लस टू डी बी अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी बी इंटू हो गया डी प्लस टू बी, ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हैं कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे टू बी स्क्वायर, टू बी छोड़ के आप जोड़ो इसको, हाँ भाई सब गड़बड़ हो गया, ठीक ठीक रहो ठीक रहो ठीक रहो ठीक रहो यार, तुम इसलिए इतना रहेगा यही इतना आंसर आ जाएगा।